हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई एम सी एस इशिका अग्रवाल एंड वी आर हियर फॉर आर अनदर लेक्चर ऑफ सी एस ई डी बिजनेस कम्युनिकेशन। जस्ट लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स इफ आई एम प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर टुडेज सेशन ऑफ सी एस ई डी बिजनेस कम्युनिकेशन। हेलो एवरीवन, हेलो अदीबा, रूही, शिनजॉय, अंजलि, मयूरी, एम के आर्ट्स, अवंतिका, आंचल, अंजलि, रूही, लीना, सृष्टि, मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बोलती है मैडम। अच्छा, आप लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि मैडम क्या बोलती है। ओ माय गॉड, आंचल ने मेरा टैगलाइन बोल दिया, द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। आगे टेक केयर बाय बाय कौन बोलेगा? मैम क्यों नहीं दिख रही मुझे? आंखें खोल के देखो बेटा, दिख जाएंगे। यस, अब दिख गई, नूर ही नूर। ओ माय गॉड, जय श्री राम दीदी, जय श्री राम दीपांशु, जय श्री राम सभी को। मैं कल क्लास नहीं कर पाई, सॉरी, कोई बात नहीं, बैकअप देख लेना, यूट्यूब में अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, हेलो, मुझे सब दिख रहा है, ग्रेट ग्रेट, चलो ठीक है। अब हम हमारी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, और कल हमने जो पढ़ा था उसके बाद से हम चालू करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था मैडम, मैं आपको क्विकली जो है रिवाइज करवा देती हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था लूज सेंटेंस और पीरियोडिक सेंटेंस क्या होता है। लूज सेंटेंस यानी जिसमें आप पहले स्टेटमेंट बोलते हो उसके बाद उसका रीजन देते हो। पीरियोडिक सेंटेंस यानी कि पहले आप रीजन देते हो उसके बाद मेन स्टेटमेंट बोलते हो। उसके बाद आपका था सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, छोटा सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, बड़े बड़े सेंटेंस होने चाहिए कि छोटे सेंटेंस होने चाहिए एक पैराग्राफ में, और छोटे सेंटेंस होने चाहिए एक पैराग्राफ में, और एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने बहुत खतरनाक वाला टॉपिक चालू किया था, प्रीफिक्स और सफिक्स। हमने कल थोड़ा सा खतरनाक वाला चालू किया था, प्रीफिक्स और सफिक्स। और ये क्या चल रहा है, बागों में फूल है, इशिका मैम ब्यूटीफुल है। ओ माय गॉड, ये मेरे यूट्यूब वीडियो पे ना एक बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या कमेंट किया था, हाँ, लाल फूल, नीला फूल, इशिका दीदी ब्यूटीफुल। बड़े फनी हो, कहाँ से लाते हो ये सब, इतना टैलेंट, मतलब कहाँ से लाते हो, कहाँ से लाते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। उदित बोल रहा है मुझे सफिक्स सबसे बेकार टॉपिक लगा। देखना इसी से क्वेश्चन आएगा, मैं बता रही हूँ, इसी से क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना, बेकार है तो क्या हुआ। सच में ब्यूटीफुल हो, थैंक यू सो मच मयूरी, आप भी ब्यूटीफुल है, लॉट्स ऑफ लव। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ाई चालू करेंगे। आज खत्म हो जाएगा क्या मैम चैप्टर? आज देखते हैं, होप सो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं हुआ तो कल एक और लेक्चर ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अभी हो जाएगा आप लोगों का कोर्स जो है कम्प्लीट। एक चैप्टर आपका मोदी सर भी करा दिया है, चैप्टर नंबर 7, बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर नंबर 7 आपका मोदी सर भी करा दिया है। ठीक है, हाँ, पेज नंबर वंश पूछ रहा है, पेज नंबर आपको मैं बता रही हूँ, पेज नंबर अभी हम आगे आएंगे। तो कल हमने प्रीफिक्स पढ़ा था जो वर्ड के पहले जोड़ा जाता है, और इसमें आपको पढ़ना था जैसे टाइम प्रीफिक्स में क्या क्या आता है, राइट साइज प्रीफिक्स में कौन कौन सा आ जाएगा, नंबर प्रीफिक्स में कौन कौन सा आ जाएगा, बाई, डाई, डुओ, पेंटा, राइट, एक्सेट्रा, स्टेटस प्रीफिक्स, क्लास चेंजिंग, मिसिलेनियस। फिर हमने सफिक्स किया, अच्छा सफिक्स नहीं किया था कल, सफिक्स करना बचा है। ओ, मुझे ऐसे लग रहा था कि कल मैंने प्रीफिक्स सफिक्स दोनों निपटा दिया। ठीक है चलो, तो सफिक्स करना बचा है तो आज की क्लास में हम सफिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से जो है आपके सारे फ्रेंड्स लोगों को लिंक भेज करके बुला लो क्लास में, सबको लिंक भेज करके क्लास में बुला लीजिए ताकि सब ऐड हो जाएं। फू, चलो
तो जिस तरह से हमने प्रिफिक्स किया था वैसा ही टॉपिक है, सफिक्स प्रिफिक्स के जैसा ही है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि प्रिफिक्स जो है वो वर्ड के पहले जुड़ता है और सफिक्स जो है वो वर्ड के बाद जुड़ता है, बस अंतर सिर्फ इतना है। बाकी प्रिफिक्स और सफिक्स दोनों ही हम किसी वर्ड में जोड़ के उसका मीनिंग जो है चेंज कर देते हैं या कुछ ऐड ऑन कर देते हैं उसके मीनिंग में। तो सफिक्स क्या है? सफिक्स ऐसा एक यू कैन से वर्ड होता है जो किसी वर्ड के एंड में जुड़ता है। सफिक्स जो है वो किसी वर्ड के एंड में जुड़ता है, उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है? यहाँ पर देखो, सफिक्स इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड। वेयर सफिक्स इज एडेड, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि इफ समथिंग इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड इट इज डैश, ये हो जाएगा सफिक्स। एंड इफ समथिंग इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड देन दैट इज डैश देन दैट इज प्रीफिक्स। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि सफिक्स जो है वो आपके वर्ड के एंड में जुड़ता है। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ सफिक्स करना होगा। टाइप्स ऑफ सफिक्स में सबसे पहले आपका आ जाएगा नाउन सफिक्स, फिर आपका हो जाएगा एडजेक्टिव सफिक्स, फिर वर्ब सफिक्स, फिर एडवर्ब सफिक्स। ये चार तरह के आपके सफिक्स होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। सबसे पहले आपका हो जाएगा नाउन सफिक्स। देखो, अब मैं आपको सफिक्स का बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ। अगर वो सफिक्स लगाने के बाद उस वर्ड को आप एज अ नाउन यूज करोगे, वो वर्ड नाउन बन जाएगा, तो वो नाउन सफिक्स हो जाएगा। अगर सफिक्स लगाने के बाद जो वर्ड है वो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो वो एडजेक्टिव सफिक्स हो जाएगा। अगर सफिक्स लगाने के बाद वो वर्ड वर्ब बन गया, तो वो वर्ब सबसे सफिक्स हो जाएगा। और अगर सफिक्स लगाने के बाद वो वर्ड एडवर्ब बन गया, तो वो एडवर्ब सफिक्स हो जाएगा। मैडम एग्जाम्पल समझा दो। चलो, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो है एग्जाम्पल समझा देती हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे पहले नाउन सफिक्स। नाउन सफिक्स यानी ऐसा सफिक्स जो किसी वर्ड में लास्ट में लगाने के बाद वो वर्ड नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल पहले अल का देखो, अल अल अल, ए एल अल, ए एल अल, एग्जाम्पल अल, ए एल अल। अब अल जो है ना वो वर्बल एक्शन बताता है, लेकिन हम उसको एज अ नाउन यूज करते हैं। जैसे बिट्रे के आगे आप अल लगा दोगे तो वो जाएगा बिट्रेयल। डिसमिस के आगे अगर आप अल लगा दोगे तो हो जाएगा डिसमिसल। डिसमिसल शल की सल, डिसमिसल, डिसमिशल, डिसमिसल, वॉट एवर। और अगर आप डेफर के आगे अल लगा दोगे तो वो हो जाएगा डेफरल। अब देखो, बात को समझो आप। और ये जो अल है इसको लगाने के बाद ये सारे वर्ड नाउन बन गए। बिट्रेयल भी नाउन है, डिसमिसल भी नाउन है, और डेफरल भी नाउन है। आप बोलोगे कैसे मैडम? देखो, डेफर करना वर्ब होता है। डेफर अगर मैं सिर्फ बोलूं तो डेफर एक वर्ब है, लेकिन अगर मैं डेफरल बोलूंगी ना तो डेफरल नाउन हो गया। समझ रहे हो बात को? जैसे डिसमिस करना एक्शन है तो वो वर्ब है डिसमिस। अगर मैं सिंपली डिसमिस बोलूं, डिसमिस, तो डिसमिस करना एक्शन है तो वो वर्ब है। बट अगर मैं उसके आगे अल लगा दूं, डिसमिसल, हो सकता है मैं सल और शल में गलती कर रही होंगी, प्लीज माफ कर देना। अगर मैं डिसमिस के आगे अल लगा दूं, डिसमिसल, तो अगर मैं कहूं कि डिसमिसल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प फ्रॉम हिज पोजिशन, तो यहां पर मैं डिसमिसल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प को एज अ नाउन यूज कर रही हूँ। बात को समझो, डिसमिस करना एक वर्ब होता है, बट डिसमिसल एक नाउन होता है। उसके आगे अल लगा देंगे ना तो वो नाउन बन जाएगा। तो अल लगाने के बाद ना, जब हम किसी वर्ड के आखिरी में अल लगा दे रहे हैं, तो वो वर्ड एक नाउन बन जा रहा है, इसीलिए उस सफिक्स को हम नाउन सफिक्स बोलेंगे। जैसे एंट, ये वो मकड़ी और चींटी वाला एंट नहीं है, ये वो चींटी वाला एंट नहीं है। जो एंट है ना, ये एंट मैन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर हम एंट मैन की बात नहीं कर रहे हैं। ये चैट बॉक्स में अलग ही कहानी चल रही है। तो यहाँ पर एंट जो है, एंट एंट, यहाँ हम चींटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम किसी वर्ड के लास्ट में एंट लगा देते हैं तो वो वर्ड जो है नाउन बन जाता है, इसीलिए उस वर्ड को नाउन सफिक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जब आप अपील 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 यानी किसी केस के अगेंस्ट, हायर हायर कोर्ट में किसी जजमेंट के अगेंस्ट, कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील फाइल करना। तो अब मान के चलो कि आप हायर कोर्ट में अपील फाइल कर रहे हो, तो उसे अपील फाइल करना एक एक्शन है, तो वो वर्ब हो गया। बात को समझो, अपील फाइल करना एक एक्शन है तो वो वर्ब हो गया, लेकिन जो अपील फाइल करता है उसे हम अपीलेंट बोलते हैं।
जो अपील फाइल करता है उसे हम अपीलेंट बोलते हैं। तो अब अपीलेंट वर्ड जो है ना, वो नाउन एज अ नाउन यूज हो रहा है कि अपीलेंट आदमी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपीलेंट है। तो अपीलेंट इज निहाल शर्मा, द अपीलेंट इज निहाल शर्मा, तो अपीलेंट एज अ नाउन यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपीलेंट, जो एंट सफिक्स है वर्ड के आखिरी में लगाने के बाद वो वर्ड आपका नाउन बन गया, तो ये हो जाएगा आपका नाउन सफिक्स। समझ में आया? ये हो जाएगा आपका नाउन सफिक्स। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट जैसे इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म करना आपका वर्ब हो जाएगा, लेकिन जब आप इन्फॉर्म के आगे एंट लगा दोगे, इन्फॉर्मेंट, वो बंदा जो इन्फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्मेंट, तो ये आपका नाउन हो गया। एरोगेंट, एरोगेंट, ठीक है। तो आर्ग्यू एरोगेंट, एरोगेंट जो बंदा बहुत रूड होता है उसके लिए यूज किया जाता है, रूड बिहेवियर। तो एरोगेंट एक इंसान के लिए यूज किया जाता है जो, तो जब हम लास्ट में एंड जो जोड़ दे रहे हैं, एरोगेंट, एरोगेंट, तो ये वर्ड जो है नाउन बन गया, इसलिए ये हो जाएगा आपका नाउन सफिक्स। एग्जाम्पल एसीटी, एसीटी आपका क्वालिटी या स्टेट ऑफ बींग बताता है। जैसे ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मीन्स बोलते हैं ना, डू यू हैव ऑडेसिटी टू स्पीक दैट, मतलब तुम्हारे अंदर इतना करेज है ये बोलने का, क्या तुम्हारे पास इतनी ऑडेसिटी है, शर्म नहीं आई ऐसा बोलने से पहले, ऐसा बोलते हैं ना, ऑडेसिटी मतलब एकदम शॉकिंग बिहेवियर। कैपेसिटी, ओ आई डोंट हैव कैपेसिटी टू ईट एनी फर्दर। तो यहाँ पर जब आप लास्ट में एसीटी लगा देते हैं ना, एसीटी, कैपेसिटी, ऑडेसिटी, तो ये जो वर्ड है ना ये नाउन बन गया, इसलिए इसे नाउन सफिक्स कहते हैं। तो नाउन सफिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटी एंड अल, एज, एज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम एज यानी आपके उम्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एज लगाने से वो किसी चीज का स्टेट ऑफ कंडीशन बताता है या स्टेट ऑफ एक्शन बताता है। एग्जाम्पल स्पिलेज, होमेज, बॉन्डेज, बैगेज, पोस्टेज, विकरेज, माइलेज, माइलेज होता है ना गाड़ी का माइलेज। तो यहाँ पर जब आप किसी वर्ड के लास्ट में एज लगा देते हैं, बॉन्डेज, बॉन्ड जो होता है, बैगेज, आपका बैग का जो जो आपके बैग्स होते हैं उसे हम बैगेज कहते हैं, बैगेज। पोस्टेज, जो आप पोस्ट करते हैं उसे पोस्टेज कहते हैं। जब हमें उसे एज अ नाउन यूज करना होता है तो हम उसे बैगेज, पोस्टेज ऐसा यूज करते हैं। तो जब आप किसी वर्ड के आगे एज लगाते हैं तो वो वर्ड नाउन हो जाता है, और इसलिए ये जो एज वाला सफिक्स है ये भी आपका नाउन सफिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है एशन, एशन यानी कि एक्शन शो करना। एग्जाम्पल कोलैबोरेशन, की दो लोग कोलैब कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम में आप कोलैब करके पोस्ट डाल सकते हैं ना वैसे। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। यस, एक्सप्लोरेशन, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। लैग हो रहा है क्या? मैम पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? पेपर में आपको प्रिफिक्स सफिक्स भी पूछ सकता है, पेपर में आपको वर्ड्स का मीनिंग भी पूछ सकता है, सिनोनिम एंटोनिम, और प्रिफिक्स सफिक्स से आपको पूछ सकता है कि ये शिप आपको एक वर्ड दे देगा, स्कॉलरशिप, इसका सफिक्स क्या है, ठीक है, इसका प्रिफिक्स क्या है, इस टाइप से पूछ सकता है आपको। और ये प्रिफिक्स कौन सा है, जैसे कल वाला है, ईटी है, लिंग है, मतलब इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एशन जो है आपका एक्शन शो करता है, जैसे कोलैबोरेशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सेट्रा, इनहेलेशन, इनहेल करना, कल या फिर क्यूल, ये भी आपका साइज शो करता है, कल या क्यूल साइज शो करता है। जैसे मिनी क्यूल, पार्टिकल, बहुत छोटा, मॉलिक्यूल, कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका साइज शो करता है। इस्ट, इस्ट यानी बिलीफ शो करता है आपका, आपका प्रोफेशन शो करता है। जैसे डेंटिस्ट, इस्ट लास्ट में लगा देते हो, आपका प्रोफेशन शो करता है। जैसे डेंटिस्ट, डेंटिस्ट क्या है, दांत का डॉक्टर। जैसे फ्लॉटिस्ट, फ्लॉटिस्ट यानी जो फ्लूट प्लेयर होता है उसे हम फ्लॉटिस्ट बोलते हैं। जैसे नॉवेलिस्ट, जो नॉवेल लिखता है, ठीक है। एथिस्ट, जो भगवान में भरोसा करता है। तो आपका भरोसा क्या है या आपका प्रोफेशन क्या है वो शो करता है इस्ट, ये भी आपका एक नाउन सफिक्स है। ईटी, ईटी भी आपका कंडीशन या क्वालिटी शो करता है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निकलिटी, पब्लिसिटी। तो ईटी जो है ना वो आपका क्वालिटी कंडीशन शो कर रहा है, पब्लिसिटी करना, ह्यूमिलिटी, किसी को बुरा फील कराना, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है, ये सारा। उसके बाद लिंग, लिंग भी लास्ट में ऐड करने से वो आपका साइज शो करता है कि आप बहुत छोटे हो। लिंग यानी बहुत छोटे हो, जैसे डकलिंग, डकलिंग यानी डक का छोटा बच्चा। सीडलिंग यानी बहुत छोटा प्लांट। जैसे हायरलिंग, हायरलिंग यानी कि
पर्सन जिसको आपने एम्प्लॉय किया है कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए, तो ये हो गया। उसके बाद मेंट, मेंट आपका हो जाएगा जो आपका एक्शन शो कर रहा है, जैसे अरेंजमेंट, मैंने पूरी अरेंजमेंट कर दी है शादी की, अरेंजमेंट, एम्बेरसमेंट, कर्टेलमेंट, बीवाइल्डमेंट। बीवाइल्डमेंट मीन्स बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहना, कंफ्यूज रहना, ठीक है। तो ये मेंट लगाने से आपका एक्शन शो कर रहा है, आपका स्टेट ऑफ एक्शन, रिजल्ट। नेस, नेस लगाने से भी आपका कंडीशन शो कर रहा है, जैसे यूजफुलनेस, यार ये तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। यूजफुल जब आप बोल रहे हो तो वो एक्शन है, लेकिन यूजफुलनेस ऑफ फोन इज डैश डैश डैश। तो जब आप यूजफुलनेस आगे नेस लगा देते हैं किसी वर्ड की, तो वो नाउन बन जाता है। यूजफुलनेस, केयरलेसनेस, विलिंगनेस, काइंडनेस, वाइल्डनेस। शिप, बहुत अच्छे एग्जाम्पल। शिप आपका कंडीशन या स्टेटस शो करता है, जैसे फ्रेंडशिप स्टेटस शो कर रहा है कि दो लोग फ्रेंड हैं। स्कॉलरशिप शो कर रहा है कि आपको स्कॉलर मिली है। कंपेनियनशिप, सिटीजनशिप। मेंबरशिप, मेंबरशिप शो करता है कि मैं मेंबर हूँ आईसीएसआई के, आई एम द मेंबर ऑफ आईसीएसआई, आई हैव द मेंबरशिप ऑफ आईसीएसआई, ठीक है, तो मेंबरशिप। उसके बाद लास्टली ट्यूड, ट्यूड भी आपका कंडीशन शो करता है अगेन, जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जो आपका कहाँ पर है, कितने लॉन्गिट्यूड में है ये प्लेस सिचुएटेड है, कितने लैटिट्यूड में है। तो ट्यूड से भी आपका जो है स्टेट ऑफ कंडीशन शो होता है, इसीलिए ये सारे जो है आपके, ये सारे नाउन प्रिफिक्स, नाउन सफिक्स हो जाएंगे, ए सिटी एंड अल, एज, एशियन, कल, एस्ट, ईटी, लिंग, मेंट, नेस, शिप, ट्यूड। दूसरा होता है आपका वर्ब सफिक्स यानी ऐसे सफिक्स जिसको लगाने के बाद वो वर्ड एज अ वर्ब एक्ट करेगा। एग्जाम्पल फाई, फाई, फाई। एग्जाम्पल ब्यूटिफाई, 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 प्योरिफाई। एग्जाम्पल योर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटिफाइंग योर फेस। एग्जाम्पल योर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटिफाइंग, तुम्हारे ये स्पेक्टिकल्स तुम्हारे ब्यूटी को बढ़ा दे रहे हैं। उल्टा ही बोल दिया क्या मैंने, स्पेक्टिकल्स तो ब्यूटी को घटाते हैं क्या? हाँ ठीक है, तो ब्यूटिफाई को आप एज अ वर्ब यूज कर रहे हो, जैसे ब्यूटी, 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 क्यूटी, क्यूटी। जब आप ब्यूटी के आगे फाई लगा दोगे तो वो वर्ब बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। प्योरीफाई, प्योर, प्योर एक नॉर्मल वर्ड है, प्योर के आगे जब आप फाई लगा दोगे, प्योरीफाई करना, अब वो एक्शन बता रहा है कि प्योरीफाई दिस वाटर, प्योरीफाई दिस वाटर। तो यहाँ पर आप प्योरीफाई एक्शन बता रहे हो कि इस वाटर को प्योरीफाई करो, तो जब आप फाई लगा दिए तो वो वर्ब बन गया, एक्शन बन गया। ग्रेटिफाई, इलेक्ट्रीफाई, पैसिफाई, परसोने फाई। पैसिफाई मतलब किसी को काम डाउन करना, ये से काम डाउन, काम डाउन, जरे जरे लॉकडाउन, लॉकडाउन, पता नहीं क्या क्या लिरिक्स है, मुझे बिल्कुल नहीं आता उसके लिरिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आईज। आईज लगाने से भी आपका जो वर्ड है ना वो वर्ब बन जाएगा, जैसे कि कैपिटलाइज, मॉडर्नाइज, पॉपुलराइज, टेररिज, एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज। तो आईज लगाने से जो वर्ड है ना वो आपका वर्ब बन जाएगा, इसलिए ये दोनों आपके हो जाएंगे वर्ब प्रेफिक्स, वर्ब प्रेफिक्स फाई और आईज। नेक्स्ट होता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी ऐसा वर्ड जिसको लगाने के बाद आपका जो वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप, एटीट्यूड, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। पार्टनरशिप, स्टेटमेंट, मूवमेंट, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चलो अब यहाँ पर एडजेक्टिव सफिक्स में क्या क्या आ जाएगा। एडजेक्टिव सफिक्स यानी ऐसा सफिक्स जिसको लगाने के बाद आपका वर्ड जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा। एडजेक्टिव क्या होता है जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ एडजेक्टिव क्या होता है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ व्हाट इज एडजेक्टिव। मैम आप एक्सप्रेशन बहुत अच्छे देते हैं, ओ माय गॉड, ये कॉम्प्लीमेंट तो मुझे आज तक पहली बार मिल रहा है एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। डांस परफॉर्मेंस में ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला भाई, पढ़ाते समय ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, एक्सप्रेशन अच्छे हैं, तो फिर मैं मूवी के लिए ऑडिशन दे दूं, ठीक है। जल्दी से बताओ एडजेक्टिव क्या होता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ एडजेक्टिव। आप मुझे जब तक नहीं बताओगे एडजेक्टिव क्या होता है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ एडजेक्टिव क्या होता है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ एडजेक्टिव क्या होता है। नाउन को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग नाउन, एक्स्ट्रा प्लस नाउन, नाउन प्लेस,
नेम प्लेस थिंग के जगह यूज होता है, नहीं देवांश गलत, नेम प्लेस के जगह जो यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। आज मुंबई, आप मुंबई जा रहे हैं, कौन मुंबई जा रहा है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, परफेक्ट परफेक्ट, ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। हाँ, ठीक है, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, द वर्ड टेल अबाउट नाउन, परफेक्ट परफेक्ट, वर्ड दैट यूज टू डिस्क्राइब नाउन, नाउन के बारे में बताता है, परफेक्ट परफेक्ट क्वालिटी ऑफ नाउन, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, परफेक्ट शिवानी परफेक्ट। ठीक है, डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग को, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। सभी ने बहुत बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आंसर दिया हुआ है चैट बॉक्स में, बहुत ज्यादा बेहतरीन आंसर दिया हुआ है। इशिका कह रही है लव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, लव यू टू इशिका, सी वी शेयर द सेम नेम, इशिका इशिका। ठीक है चलो, यू आर वेरी चालाक ब्रो, चालाक 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 ब्रो में चालाक एडजेक्टिव है। ओ माय गॉड, व्हाट एन एग्जांपल रूही, ओ माय गॉड, यू आर वेरी चालाक ब्रो, चालाक चालाक में रूही कह रही है कि इसमें चालाक एडजेक्टिव है, क्या दिमाग लगाया है। एडजेक्टिव यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, जैसे एबल 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 या ईबल, एबल या ईबल जब हम किसी वर्ड के लास्ट में लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल, ऑडिबल, मैं ऑडिबल हूँ क्या? अरे डेली क्लास के स्टार्टिंग में मैं कहती हूँ ना कि मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, एम आई प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर टूडे सेशन। डेली कहती हूँ ना मैं कि मैं प्रॉपरली विजिबल या ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो जब मैं कह रही हूँ कि मैं विजिबल हूँ कि नहीं, मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं, तो एम आई प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, तो यहाँ मेरे लिए पूछ रही हूँ कि मैं ऑडिबल हूँ क्या, मैं ऑडिबल हूँ क्या। तो ऑडिबल ना आपका एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो बात को समझो, जब आप किसी वर्ड के लास्ट में एबल या ईबल लगा देते हो ना तो वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है, और इसीलिए इस एबल वाले सफिक्स को या ईबल वाले सफिक्स को हम एडजेक्टिव सफिक्स कहेंगे। जैसे ऑडिबल, अनकाउंटेबल, ये तो अनकाउंटेबल है, ओ माय गॉड, माय हेयर इज अनकाउंटेबल, माय हेयर आर अनकाउंटेबल। रीडेबल, रीडेबल, ओ दिस बुक इज रीडेबल, राइट दिस बुक इज रीडेबल। रिलायबल, टेरिबल, ओ माय गॉड आई फील टेरिबल। ठीक है, उसके बाद पीस पीसेबल, प्रॉफिटेबल, दिस बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। अब देखो दिस बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, तो बिजनेस आपका क्या हो गया नाउन, बिजनेस। दिस कंपनी इज प्रॉफिटेबल, तो कंपनी आपका क्या हो गया नाउन। अब कंपनी इज प्रॉफिटेबल, तो हम कंपनी के बारे में बता रहे हैं, कंपनी कैसी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो हम नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी कैसी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो ये आपका सफिक्स कौन सा हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव सफिक्स हो जाएगा। समझ में आया? हाँ मैडम समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा अल या ईएल, अल या ईएल, एग्जाम्पल टाइडल, ये आपका बताता है काइंड ऑफ, काइंड ऑफ यानी टाइप ऑफ। एग्जाम्पल म्यूजिकल, किस टाइप का है, टाइप या काइंड बताता है। म्यूजिकल, म्यूजिकल यानी यार ये तो एकदम मस्त धुन वाला है, म्यूजिकल है, तो आपने म्यूजिक के आगे अल लगा दिए, आपने म्यूजिक के आगे अल लगा दिया। देखो म्यूजिक जो है वो आपका नाउन है, लेकिन आप म्यूजिक के आगे अल लगा दोगे ना तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, म्यूजिकल, म्यूजिकल, ओ माई गॉड, ही विल, ही हैव अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ही हैव अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस टू नाइट, सॉरी। तो जब आप किसी वर्ड के आगे अल लगा देते हो ना, या फिर ई अल, मैनेजेरियल, मैनेजेरियल, तो वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट ईडी, ईडी यानी आप क्या चीज, आप यू आर हैविंग, व्हाट यू आर हैविंग और व्हाट यू आर अफेक्टेड बाय, वो बताता है ईडी। एग्जांपल कल्चर्ड यानी प्रॉपर कल्चर तरीके से, कल्चर्ड, हैवी हैंडेड, टैलेंटेड, जब आप लास्ट में ईडी लगा देते हो ना, ईडी, जैसे टैलेंट, टैलेंटेड यानी यू आर हैविंग टैलेंट, कल्चर्ड यानी यू आर हैविंग कल्चर, आर यू अंडरस्टैंडिंग, हैवी हैंडेड यानी दैट समथिंग यू आर हैंडलिंग समथिंग वेरी हैवी। तो द पॉइंट इज, जब आप लास्ट में ईडी लगा देते हो ना, मतलब यू आर हैविंग दैट, यू आर वेरी, यू आर हैविंग टैलेंट, यू आर हैविंग कल्चर, सो टैलेंटेड, लास्ट में ईडी लगाने से ना, ओ माई गॉड, वंश इज वेरी टैलेंटेड, वंश इज वेरी टैलेंटेड, तो यहाँ पर टैलेंटेड ईडी लगाने से वो वर्ड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, टेडिंग टेडिंग टेडिंग
टडंग, फुल। लास्ट में कोई वर्ड फुल, कोई वर्ड में फुल लगाने से वो बन जाता है अप्रैल फुल। हा। पीजे कमिंग बैक, फुल किसी वर्ड के लास्ट में फुल लगाने से वो बन जाता है एडजेक्टिव, जैसे पावरफुल, थेनोस इज पावरफुल। ठीक है, केयरफुल, केयरफुल बी केयरफुल रोहन, किसी के प्यार में मत पड़ जाना। रिसेंटफुल, फ्रेटफुल, फॉरगेटफुल। तो जब आप किसी भी वर्ड के लास्ट में फुल लगा देते हो ना, तो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। इक, अरेबिक, एरिस्टोक्रेटिक, ड्रामेटिक। जब आप किसी वर्ड के लास्ट में इक लगा देते हो, तो वो वर्ड आपका एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल, लेस, लेस यानी किसी चीज के बिना, केयरलेस, यार यू आर वेरी केयरलेस, यार 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 दीपांशु, यार क्या यार दीपांशु भाई, वेरी केयरलेस यू आर दीपांशु, यार क्या यार, वेरी केयरलेस यू आर, तो केयरलेस हो गया। हार्मलेस, हार्मलेस। एग्जाम्पल मैं कहूँ कि दिस वाटर इज हार्मलेस, हार्मलेस। रेस्टलेस, फ्लेवरलेस, फ्लेवर ही नहीं है, दिस आइसक्रीम इज फ्लेवरलेस। ऑयड, ऑयड यानी कि जब आप किसी के जैसा दिखने वाला बताते हो, जैसे जैसे कि मान के चलो मेरा फेस का शेप जो है अंडे, अंडे आकार का है, अंडे आकार का, तो मैं बोलूंगी इट इज ओवॉइड शेप, ओवॉइड, क्योंकि अंडे आकार का शेप यानी ऐसा, ऐसा टाइप का। तो समथिंग विच रिजेम्बल्स लाइक एग इन शेप, किसी चीज का शेप एक अंडे का आकार का होता है, किसी चीज का शेप अंडे के शेप का जैसा होता है, तो उसे हम ओवॉइड कहते हैं, ओवॉइड। ह्यूमेनॉइड, ह्यूमेनॉइड यानी जिस, जो ह्यूमन की तरह दिखता है बट ह्यूमन है नहीं, ह्यूमन की तरह दिखता है। तो किसी चीज के लास्ट में ओइड लगाने से ना, ओआईडी लगाने से हम रिजेम्बलेंस बताते हैं कि आप किसके जैसे दिखते हैं, ये भी आपका एडजेक्टिव है। जैसे सम, सम किसी किसी चीज के आगे हम सम लगा देते हैं ना, वो टेंडेंसी बताता है। एग्जाम्पल, मेडल सम, ऑसम। ठीक है, वाई, किसी चीज के आगे वाई लगाने से वो उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे मेसी, ओ माई गॉड माई रूम इज वेरी मेसी, ऑनेस्टली डोंट सी माई रूम बिकॉज माई रूम इज वेरी मेसी राइट नाउ। फनी, ओ माई गॉड महिमा इज वेरी फनी। क्यूबॉइड, महिमा एग्जाम्पल दे रही है क्यूबॉइड। नीरज एग्जाम्पल दे रहा है हैंडसम राइट। अगर मैं कहूँ महिमा इज वेरी फनी, महिमा इज वेरी फनी। अगर मैं कहूँ मैम अदीबा नॉट स्टडिंग, अगर मैं कहूँ श्रिंजो इज वेरी फनी, श्रिंजो इज वेरी फनी, तो ये फनी वर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। स्लीपी, यार यार आई एम वेरी स्लीपी। चूजी, आई एम वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग। तो ये वाई लगाने से ये सारे आपके हो जाएंगे एडवर्ब सफिक्स, और लास्ट है आपका, सॉरी ये सारे आपके हो जाएंगे एडजेक्टिव सफिक्स, और लास्ट है आपका एडवर्ब सफिक्स। एडवर्ब सफिक्स यानी ऐसा सफिक्स जो किसी वर्ड के लास्ट में लगाने से वो वर्ड जो है आपका एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब सफिक्स यानी ऐसा सफिक्स जो किसी वर्ड के लास्ट में लगाने से वो वर्ड एडवर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल, ली, मैंने आपको बहुत बार जब मैं एडवर्ब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ली वाला एग्जाम्पल दिया भी है। अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। शिवानी कह रही है नॉटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ एडवर्ब का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब, जल्दी से बताओ। जिसमें ली लगता है, ली जरूरी नहीं है, ली इज जस्ट एन एग्जाम्पल एडवर्ब का। देखो ये पानी है ना, कुछ और नहीं है, ऐसे गलत मत समझना, ठीक है। जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव के बारे में साथ ही साथ वर्ब के बारे में, एडवर्ब जो वर्ड के बारे में कुछ बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। वर्ड्स विच एड द मीनिंग टू वर्ब एडजेक्टिव, वेरी नाइस विवेक, वेरी नाइस वंदना, अंजलि, आंचल, एवरीवन। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव प्रेपोजिशन कंजंक्शन को। परफेक्ट, परफेक्ट। एडजेक्टिव क्वालिफाई और एड टू द मीनिंग ऑफ नाउन, नहीं, हाँ एडजेक्टिव नाउन को करता है,
एडजेक्टिव नाउन को करता है, बट करंटली हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं कि एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है. तो क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, फिर से हम पढ़ चुके हैं पूरा एडवर्ब का टॉपिक. ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या प्रेपोजिशन कंजंक्शन को डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. मेनली समझो, ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. वर्ब एडवर्ब, वर्ड एडवर्ब, वर्ब एडवर्ब. तो ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल, जब आप किसी वर्ड के लास्ट में ली लगा देते हैं ना, तो वो एडवर्ब बन जाता है. एग्जाम्पल, स्लोली 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 स्लोली. बहुत ही घटिया गाया मैंने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली. याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था जब मैं एडवर्ब पढ़ा रही थी आपको, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, शी इज राइटिंग वेरी स्लोली. तो वो कैसे लिख रही है, मैं कह रही हूँ शी इज राइटिंग, मैं कह रही हूँ शी इज राइटिंग, वो लिख रही है. ठीक है, इसमें वर्ब क्या है, राइटिंग, राइटिंग इज द वर्ब कि वो लिख रही है. अब कैसे लिख रही है, स्लोली 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 स्लोली. कैसे लिख रही है, स्लोली स्लोली लिख रही है. तो स्लोली वर्ड जो है वो राइटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसा लिख रही है, स्लोली लिख रही है. तो स्लोली वर्ड जो है ना वो वर्ब को एड ऑन कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. इसलिए जो स्लोली वर्ड है ना वो आपका एडवर्ब हो जाएगा. बात समझ में आई? हाँ मैडम, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बात समझ में आ गई है. तो यहाँ पर जो आपका एडवर्ब सफिक्स है वो हो जाएगा आपका ली. एग्जाम्पल हो जाएगा उसका ली. जैसे जब आप किसी वर्ड के लास्ट में ली लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है. एग्जाम्पल, एमाइबली मतलब फ्रेंडली रहना, बहुत फ्रेंडली जो होता है ना उसे एमाइबली बोला जाता है. कैंडिडली, कैंडिड फोटो लेना मेरी कैंडिडली. जैसे सरप्राइजिंगली, ओ माई गॉड सरप्राइजिंगली ही केम टू बैंगलोर टू मीट मी. ठीक है, सरप्राइजिंगली. ग्रेटली, ग्रेटली, ओह दिस हैपेंड वेरी ग्रेटली. तो जब आप किसी के आगे ली 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 लगा देते हो ना, बेबी क्राइंग वेरी लाउडली. वेरी नाइस अंजलि, वेरी नाइस अंजलि. एग्जाम्पल दे रही है, बेबी इज क्राइंग वेरी लाउडली. बेबी क्राई कर रहा है बहुत जोर जोर से. तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, क्राइंग. और कैसे क्राई कर रहा है यार, जोर जोर से क्राई कर रहा है. तो यहाँ पर लाउडली क्या हो जाएगा तुम्हारा, एडवर्ब हो जाएगा अंजलि. सिंजॉय ने अंजलि का नाम बिगाड़ दिया. ठीक है, ठीक है मैम. होली एडवर्ब सफिक्स है क्या भाई, कैसी बात कर रहे हो, गांजा वांजा फूक कर क्या आए हो क्या, क्या कैसी बात कर रहे हो. होली एडवर्ब सफिक्स है क्या, देखो ऐसे ये टाइम तो है वैसे गांजा फूकने का, बट मतलब क्या, मतलब क्लास में थोड़ी यार, गांजा क्लास के बाद फूक लेना यार, क्लास में क्यों फूक के आए हो. ठीक है, क्लास के बाद बात फूक लेना. Joy is laughing very hardly. Ma'am, you are teaching very sweetly. हाँ, teaching sweetly. You are teaching sweetly. तो teaching और sweetly. Teaching आपका activity हो जाएगा, sweetly आपका हो जाएगा, आपका teaching आपका activity हो गया तो वो verb हो जाएगा. और verb को describe कर रहा है sweetly, तो sweetly आपका adverb हो जाएगा. समझ में आया? हाँ मैडम, सबको जो है समझ में आ गया है. तो ये हो गया ली, ली वाला हो गया आपका. नेक्स्ट होता है वाइज. जब आप किसी वर्ड के लास्ट में वाइज लगा देते हैं ना, तो वो भी आपका एडवर्ब बन जाता है. एग्जाम्पल, क्लॉक वाइज, द क्लॉक इज रोटेटिंग क्लॉक वाइज. एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ द क्लॉक इज रोटेटिंग क्लॉक वाइज, तो क्लॉक क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है. अगर मैं कहूँ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो घड़ी के कांटे होते हैं ना, घड़ी के कांटे भागे, तो जो घड़ी के कांटे होते हैं उसे हैंड्स ऑफ द क्लॉक कहा जाता है. खैर आप लोग जानते हो, आप लोग ने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है, उसमें क्लॉक का पूरा चैप्टर है. ठीक है, तो द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर रोटेटिंग क्लॉक वाइज. तो जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक है ये नाउन हो गया आपका, और दे आर रोटेटिंग, तो रोटेटिंग आपका एक्शन बता रहा है, तो वो वर्ब हो गया. अब कैसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं. तो रोटेटिंग यानी वर्ब, वर्ब को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे रोटेट कर रहे हैं क्लॉक वाइज. तो जो क्लॉक वाइज वर्ड है वो आपका वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए वो आपका एडवर्ब हो जाएगा. एग्जाम्पल, क्लॉक वाइज, नोट वाइज, टैक्स वाइज, एंटी क्लॉक वाइज. तो जब आप किसी वर्ड के लास्ट में वाइज लगा देते हैं तो वो वर्ड आपका जो है एडवर्ब बन जाता है, और इसीलिए ये जो सफिक्स है वाइज इसे हम एडवर्ब सफिक्स कहते हैं. इसके अलावा और भी एडवर्ब सफिक्स होते हैं, आपकी मटेरियल में बस इतना ही दिया है तो हम उतना ही देखेंगे, बाकी क्वेश्चन करते करते देख लेंगे. तो एडवर्ब सफिक्स, वो हमने चार तरह के सफिक्स पढ़ा. एडवर्ब सफिक्स,
एडवर्ब सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स, वर्ब सफिक्स एंड योर वन मोर नाउन सफिक्स, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कॉम्बिनेशन वर्ड्स का, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इतना चिंदी है कि आप बोलोगे हे, इतना इजी। कॉम्बिनेशन वर्ड आपको सिंपली बोल रहा है, कई बार हम क्या करते हैं ना, एक बेस वर्ड में अलग अलग प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ जोड़ के नया नया वर्ड बना देते हैं। एग्जाम्पल, आपका एक बेस वर्ड है लॉजी, आपका एक बेस वर्ड है लॉजी। अब ना उसमें आप प्रीफिक्स लगा लगा के ना बहुत अलग अलग वर्ड बना दे रहे हो। बायोलॉजी, बायो बना के बायोलॉजी बना दिया, बायो लगा के। एग्जाम्पल सोशियो, सोशियो लगा के सोशियोलॉजी बना दिया। एग्जाम्पल फिजियो लगा के फिजियोलॉजी बना दिया, फिजियोलॉजी। एग्जाम्पल साइको लगा के साइकोलॉजी बना दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आपका एक बेस वर्ड है लॉजी, आपका एक बेस वर्ड है लॉजी। लॉजी में ना आप कुछ ना कुछ जोड़ जोड़ के ना आप नए 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 वर्ड बना रहे हो। मतलब इस एक वर्ड से ना हमने भयंकर सारे वर्ड बना लिए, हमने बहुत कंबाइन करके कुछ कॉम्बिनेशन तोड़ फोड़ करके, सॉरी सॉरी आई गॉट अ बर्प। सो लॉजी आपका एक बेस वर्ड है। अब लॉजी में आपने कुछ ना कुछ प्रिफिक्स सफिक्स लगा करके, कुछ ना कुछ जोड़ जोड़ करके, इस एक वर्ड को कुछ कंबाइन करके, प्रिफिक्स सफिक्स कंबाइन करके बहुत सारे वर्ड बना लिए आपने, बहुत सारे वर्ड बना लिए। तो ये जो वर्ड है इसे हम कॉम्बिनेशन वर्ड करेंगे। जैसे लॉजी को आप कंबाइन करके बायो से बायोलॉजी बना दोगे, जैसे लॉजी को आप सोशियो से कंबाइन करोगे तो वो सोशियोलॉजी बन जाएगा, जैसे लॉजी को आप फिजियो से कंबाइन करोगे तो फिजियोलॉजी बन जाएगा, जैसे लॉजी को आप साइको से कंबाइन करोगे तो वो साइकोलॉजी बन जाएगा। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन वर्ड। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द वर्ड एलिमेंट और कंबाइनिंग फॉर्म दैट कैन बी कंबाइंड विथ अदर वर्ड्स दैट ऑलरेडी एक्सिस्ट टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। जब आप किसी दो वर्ड्स को जोड़ करके, जब आप किसी दो तीन वर्ड्स को कंबाइन करके जोड़ करके एक नया वर्ड बना देते हो तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड। और मैं नाच क्यों रही हूँ मुझे नहीं पता। तो जब आप किसी दो वर्ड्स को जोड़ करके एक नया वर्ड बना देते हैं, जब आप दो तीन वर्ड्स को जोड़ करके एक नया वर्ड बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड। और ये जो मोस्टली जो अपन कंबाइन करते हैं ना वर्ड्स, मोस्टली वो ना ग्रीक और लेटिन ओरिजिन के होते हैं। मोस्टली जो वर्ड्स हम कंबाइन करते हैं वो ग्रीक या लेटिन ओरिजिन के होते हैं। मोस्टली जो हम वर्ड्स कंबाइन करते हैं वो ग्रीक या लेटिन ओरिजिन के होते हैं, ग्रीक या लेटिन ओरिजिन के होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका एक वर्ड है आर्च, आर्च, आर्च यानी जो मेन मेन होता है, हेड, चीफ, चीफ हेड। अब जैसे आर्च के आगे आप बिशप लगा दोगे, आर्च बिशप, आर्च, हाँ आर्च बिशप, यानी इसका मतलब क्या होता है, प्रिस्ट, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन का प्रिस्ट होता है ना, पुजारी, क्रिस्ट, क्रिश्चियंस वाला प्रिस्ट, तो जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन का होता है ना प्रिस्ट, उसे हम आर्च बिशप कहते हैं। जैसे आर्च राइवल, आर्च राइवल मतलब आपका सबसे बड़ा राइवल, आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट, तो आर्च यानी चीफ। अब आर्च में ना आपको ये दूसरा दूसरा वर्ड जोड़ जोड़ के बहुत सारे नए नए वर्ड बना दे रहे हो। जैसे एरो एक वर्ड है, एरो, और प्लेन एक वर्ड है, ठीक है। आपने एरो और प्लेन को जोड़ करके एरोप्लेन बना दिया, आपने एरो और स्पेस को जोड़ करके एरोस्पेस बना दिया, समझ रहे हो बात को। जैसे ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ। अब मैं ऑटो के आगे ग्राफ जोड़ दूंगी ना तो वो ऑटोग्राफ बन जाएगा, अगर मैं ऑटो के आगे पायलट जोड़ दूंगी तो वो ऑटो पायलट बन जाएगा, अगर मैं ऑटो के आगे बायोग्राफी जोड़ दूंगी तो वो बन जाएगा ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मेरी लाइफ कहानी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम ऑटो के, ऑटो एक बेस वर्ड है, इस वर्ड में अलग अलग वर्ड जोड़ करके प्रिफिक्स सफिक्स करके बहुत सारे न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल बायो, बायो मतलब जिंदगी, जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है, ठीक है, जिंदगी इसी का नाम है। अब बायो, बायो मतलब जिंदगी, बायो मतलब लाइफ, लाइफ, बायो मतलब लाइफ। अगर मैं बायो के आगे डाइवर्सिटी जोड़ देती हूँ तो वो बायोडाइवर्सिटी बन जाएगा, अगर मैं बायो के आगे लॉजी जोड़ देती हूँ तो वो बायोलॉजी बन जाएगा, अगर मैं बायो के आगे ग्राफी जोड़ती हूँ तो वो बायोग्राफी बन जाएगा। तो देखो कैसे हमने एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बना लिए। जैसे क्रिप्टो, क्रिप्टो यानी बहुत छोटा, विच इज हिडन, सीक्रेट, क्रिप्टो यानी कंसील्ड, सीक्रेट, हिडन। जैसे क्रिप्टो करेंसीज में जो डेटा होता है वो हिडन होता है ना, सीक्रेट होता है, वैसे ही तो क्रिप्टो यानी हिडन, सीक्रेट। तो जैसे मैंने क्रिप्टो के आगे फॉरेस्ट लगा दिया तो वो क्रिप्टो फॉरेस्ट बन गया, यानी सीक्रेट फॉरेस्ट, हिडन
हिडन फॉरेस्ट जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, जैसे क्रिप्टोग्राम यानी टेक्स्ट जो आप कोड कोड में लिखते हैं, जैसे जब अपन पासवर्ड डालते हैं कहीं पर तो वो पासवर्ड दिखा के नहीं ऐसे बिंदु बिंदु दिखा देता है, डॉट 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 दिखा देता है, एस्ट्रिक मार्क दिखा देता है, तो वो आपके टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे हम क्रिप्टोग्राम कहते हैं, सीक्रेट बना देता है। जैसे क्रिप्टो नेम यानी कि कोड नेम, जब मैं किसी को कोड नेम देती हूँ ना, स्पेशली बेस्ट फ्रेंड्स में होता है ये, बेस्ट फ्रेंड्स में होता है, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को कोड दे देते हैं कि अगर मैं ये बोलूंगी ना तो समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो सीक्रेट जब आप किसी को कोड नेम दे देते हैं दैट इज क्रिप्टो नेम। एग्जाम्पल मैल, मैल यानी कि फॉल्टी, फॉल्टी जैसे मैल प्रैक्टिस यानी गलत प्रैक्टिस, मैल न्यूट्रिशन जो हड्डी का ढांचा होता है ना, सूखी हड्डी, मैल न्यूट्रिशन, भाई ये तो हड्डी का ढांचा है, सूखी हड्डी जिसको बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन, मैल प्रैक्टिस यानी गलत प्रैक्टिस, मैल एडमिनिस्टर यानी गलत तरीके से एडमिनिस्टर करना, मैल एडजस्टेड यानी आप जो है मैल एडजस्टेड यानी किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैल एडप्टिव आप एडप्ट नहीं कर पा रहे, मैल फंक्शन, मैल ट्रीट, तो ये सारे आपके हो जाएंगे मैल के एग्जाम्पल। आपने एक वर्ड मैल से बहुत सारे नए वर्ड बना दिए। मैक्रो, मैक्रो यानी कि लार्ज, माइक्रो यानी स्मॉल, मैक्रो यानी लार्ज, जैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े जानवर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रोग्राम एक्सेट्रा, मिड यानी बीच का, मिडल जैसे मिडल फिंगर, मिडवे बीच का रास्ता, मिड सेक्शन, मिड आफ्टरनून दोपहर का बीच, मिड विंटर, मिड नाइट रात के आधी रात हो रही है यानी मिड नाइट हो रही है, बोलते हैं ना मिड नाइट, मिड विंटर, अभी विंटर सीजन का बीच वाला टाइम चल रहा है, मिड आफ्टरनून, मिड सेक्शन, मिड वे। तो ये आपका मिड से आपने बहुत सारे वर्ड्स बना दिए। जैसे टैली, टैली से भी आपने बहुत सारे वर्ड बना दिए। टैली यानी कि डिस्टेंस, टैली यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी, ये दूरियां इन राहों की दूरियां, टैली यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी। अब टैली के आगे आपने बहुत सारा वर्ड जोड़ के अलग 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 नए नए वर्ड बना लिए, जैसे टेलीविजन, जब आप दूर से देखते हैं दूरदर्शन तो उसे हम टेलीविजन कहते हैं, जब आप दूर रहते हैं और एक दूसरे से कॉल पे बातचीत करते हैं तो उसे उस डिवाइस को हम कहते हैं टेलीफोन, टेलीफोटो, टेली कम्युनिकेशन, टेलीग्राम, टेलीग्राम दूर रह के जब आप एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं टेलीग्राम, टेलीस्कोप जब आपको एकदम दूर से कुछ देखना होता है ऐसे चांद सितारे देखने हैं टेलीस्कोप से देखते हो, तो टेली क्यों भाई, क्योंकि टेली का मतलब होता है फार, टेली का मतलब होता है फार, बहुत दूर, बहुत डिस्टेंस में है, इसलिए ये सारे वर्ड्स को टैली बोला जाता है, टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीस्कोप, टेलीग्राम, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और इसीलिए ये जो टेली कम्युनिकेशन सर्विस बोलते हैं इनको, जियो, आइडिया, ये सबको, क्यों, क्योंकि ये लोग डिस्टेंस को मिलाते हैं ना, इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपका टैली। तो ये सारे आपके कॉम्बिनेशन वर्ड्स है कि एक वर्ड को तोड़फोड़ करके हमने बहुत सारे जो है नए वर्ड्स बना दिए हैं, एक वर्ड्स को तोड़फोड़ करके हमने बहुत सारे नए वर्ड्स बना दिए हैं। ठीक है, समझ में आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया तो सीसी भेज दो चैट बॉक्स में। दूर से देखा तो चांद नजर आ रहा था, पूरा पढ़ू कि नहीं, दूर से देखा तो चांद नजर आ रहा था, पास जाके देखा तो इशिका मैम लेक्चर पढ़ा रही थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप लोग ना मस्का लगाने में एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, मतलब एकदम एक्सपर्ट, एकदम एक्सपर्ट, जल्दी से बोलो आज की क्लास समझ में आई कि नहीं। सी 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 एवरीवन, सी सी मस्का ओपी, ठीक है, मस्का ओपी, बस करो मैम, चैप्टर बहुत बोरिंग है, ग्रामर है, ग्रामर तो बोरिंग लगेगा ही बट इंटरेस्टिंग है, कल पंक्चुएशन पढ़ेंगे, पंक्चुएशन अच्छा है, पंक्चुएशन अच्छा है। ठीक है, और किसी को कोई शायरी सुनाना है? उदांतिका इज सेइंग मैम यू आर सो ब्यूटिफुल, थैंक यू उदांतिका, सो डू यू, आप भी मैम, कल इस पे एमसीक्यू का करा दीजिए ना मैम, क्लास खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अब पंक्चुएशन जो है कल ही चालू करेंगे क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 10 ही मिनट बचे हैं बस, तो 10 मिनट में कितना ही पढ़ लेंगे पंक्चुएशन, तो फिर पंक्चुएशन कल ही चालू कर लेंगे, लास्ट टॉपिक है आपका पंक्चुएशन, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। पंक्चुएशन में ना आपको अलग अलग पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि स्पेस हो गया, फुल स्टॉप हो गया,
आज तक बाप रे, फुल स्टॉप का मतलब नहीं पता होगा इसमें, देख लेना फुल स्टॉप का यूज क्या क्या होता है दिया हुआ है, कॉमा का यूज क्या क्या होता है वो दिया हुआ है, कॉमा देख लो भाई, कॉमा पढ़ना पड़ेगा आपको, बोलना ये दिन आ गए भैया, ये दिन आ गए, कॉमा पढ़ना पड़ेगा अब, हाँ जी कॉमा पढ़ना पड़ेगा, फुल स्टॉप पढ़ना पड़ेगा, हाँ जी फुल स्टॉप का यूज पढ़ना पड़ेगा, कॉमा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हाइफेन का यूज पढ़ना पड़ेगा, हाइफेन हो गया, सेमी कोलन, मतलब आप देख लो आज तक आपको सेमी कोलन का यूज नहीं पता होगा, सेमी कोलन, कोलन पढ़ना पड़ेगा, सेमी कोलन, एपोस्ट्रॉफी, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, ये सारा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, पंक्चुएशन आपका लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको अलग अलग पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना है, कल ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर डालेंगे, मार डाला, मार डालेंगे इस चैप्टर को कल पूरा अच्छी तरीके से, कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर डालेंगे, थोड़ा हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम लग जाए क्योंकि एक ही साथ पूरा पंक्चुएशन निपटा देंगे, हो सकता है 1 घंटे से थोड़ा 15-20 मिनट ऊपर लग जाए, देख लेंगे, अगर आप लोगों का आप लोग बोलोगे तो कल ही करा देंगे, नहीं हुआ तो 2 लेक्चर में खींच लेंगे, और अगर कल हो पाएगा ना टाइम, अगर पुट जाएगा तो कल ही पूरा करा देंगे जैसा आप लोग बोले, ठीक है, इसी के साथ जो है हम आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, किसी को किसी भी तरह का डाउट है, पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस है, जरूर से मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा विद इन 2 to 3 days, क्लास इज एंड, इशिका मैम इज गोइंग टू ट्रेंड, ओ माई गॉड, ठीक है, टेक केयर, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट मैम, आई एम वेटिंग फॉर टुमारो लेक्चर, बाय बाय, बिल्कुल वेट करो, कल लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, लास्ट लास्ट डे होगा, लास्ट डे होगा, ठीक है, लास्ट डे होगा कल, चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसी के साथ जो है हम आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलेंगे 8 बजे, टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज The more you learn, the more you grow, and the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye-bye.